विधायक, दो बार का सांसद, चार बार का मंत्री रहा है, न्यायालय वचन साफ करे, जुल्म भी खत्म हो और जालिम भी इख्तदार। पापा आपके अभी तक नहीं छूटे, 89 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। कोई ऐसी कोशिश नहीं है सरकार उनके निकलने की, बस कुछ बातें कहना नहीं चाहता, लेकिन कोई ऐसी कोशिश नहीं है। आज भी बहुत रुकावटें आई। चल भाई आगे, अब ये लोकतंत्र में बस यही क्यों नहीं लड़ूंगा, लड़ूंगा भी, मालिक ने चाहा तो रिकॉर्ड वोटों से जीतूंगा इंशाल्लाह। भैया, दो साल के घटनाक्रम पर आप क्या कहेंगे? दो साल जेल में रहे आप, शायद आतंकवादियों के साथ जो सलूक होता हो वो भी बेहतर होगा जो हमारे साथ हुआ है। और आज भी एक बेगुनाह इंसान को, एक बेगुनाह इंसान जो 9 बार विधायक रहा हो, दूसरी बार का सांसद हो, 4 बार सरकार में मंत्री रहा हो, नेता विपक्ष रहा हो, वो भैंस चोरी और मुर्गी चोरी के एक मुकदमों में जेल में बंद है। एक ऐसे मुकदमे में जेल में बंद है जिसमें 8 लोगों को एंटीसिपेटरी बेल मिल चुकी है, लेकिन आज़म खान साहब 1.5 साल से उस मुकदमे में जेल में हैं। उम्मीद है न्यायालय इंसाफ करेगा। विधानसभा चुनाव में सपा की क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि अभी तो आप जेल के अंदर थे, आपने जेल से खबरें सुनी होंगी कि जेल के अंदर बाहर के माहौल की सबसे ज्यादा जेल में जो भी कुछ बाहर होता है, क्योंकि जेल के लोग भी तो बाहर से ही अंदर आते हैं, और जब बेगुनाह लोग फर्जी मुकदमों में फंस कर आते थे और वहीं जेल में मिला करते थे, तो ये कहते थे कि बस 10 मार्च का इंतजार करो, फिर देखेंगे। अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे दोबारा? 200%। आदेश जी का कोई संदेश अखिलेश जी के लिए? बस उन्होंने अपनी मोहब्बतें दी हैं, अपनी दुआएं दी हैं, अपना प्यार दिया है और अपनी दुआएं दी हैं कि खुदा करे आने वाली 10 तारीख के बाद वो दोबारा इस प्रदेश के मुखिया बने, बेरोजगारों की, नौजवानों की आवाज बने। चलिए, अब आपके साथ स्वामी जी आ गए, क्या कहेंगे? अच्छी बात है, बड़े नेता है, सम्मानित नेता है, जनाधार के नेता है, जमीनी नेता है, उनके आने से फायदा होगा। और वो क्यों आए? क्योंकि समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा बहुत प्रताड़ित किया गया है, फर्जी मुकदमों में फंसा गया है, आरक्षण रद्द किया गया, और वो भर्तियों के लिए जब मांग करने गए और अपनी आरक्षण की मांग करने गए, ये
जीतेगा भी, हमारी ने चाहा तो रिकॉर्ड वोटों से जीतेगा इंशाल्लाह। दो साल के घटनाक्रम पर आप क्या कहेंगे, जो दो साल जेल में रहे आप? शायद आतंकवादियों के साथ संबंध होता हो, बोले तो भाई वो भी बेहतर होगा जो हमारे साथ। क्या आज भी एक बेगुनाह इंसान को, एक बेगुनाह इंसान जो 9 बार विधायक रहा हो, दूसरी बार का सांसद हो, 4 बार सरकार में मंत्री रहा हो, नेता विपक्ष रहा हो, मुंह में ना ले भाई, भैंस चोरी और मुर्गी चोरी के मुकदमों में जेल में बंद है। एक ऐसे मुकदमे में जेल में बंद है जिसमें 8 लोगों को एंटीसिपेटरी बेल मिल चुकी है, लेकिन आजम खान साहब 1.5 साल से उस मुकदमे में जेल में है। उम्मीद है न्यायालय इंसाफ करेगा। विधानसभा चुनाव में सपा की क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि अभी तो आप जेल के अंदर थे, आपने जेल से खबरें सुनी होंगी कि कई दिनों से अखिलेश जी का गड़बड़।